ज्वेलर्स के मुनीम से हुई लूट का पर्दाफाश। क्राइम ब्रांच ने दो लुटेरों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ग्वालियर अमित साहनी ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली कि 10 सितंबर को कनक गार्डन के पास सुरेंद्र सोनी को गोली मारकर सोने चांदी के आभूषण लूटने वाले दो संदेही लुटेरे घर लक्ष्मीपुरम थाना बड़ापुर पर मौजूद हैं। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी मनीष शर्मा और संजय जाटो के पास से 315 के दो देसी कट्टे, दो जिंदा कारतूस एवं एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट की और लूटे गए सोने चांदी के जेवरात जिनकी कीमत लगभग 50,000 रुपए बताई जा रही है। नवबारा समाचार ग्वालियर मध्य प्रदेश से योगेश बिसारिया। इसमें जो गिरफ्तार किया गया आरोपी मनीष है, इसने पूछताछ पे बताया है कि बाकी का माल इसकी माँ जो है उनके पास रखा हुआ है, उसको तलाश करने के लिए हमारी टीम गई किंतु माँ अभी नहीं मिल पाई है और उसके मिलने पे शेष माल की बरामदगी होगी। कुल मिला के ये बहुत ही सनसनीखेज वारदात थी जिसको कि क्राइम ब्रांच की टीम ने बड़ी मेहनत से आरोपियों को पकड़ा है, माल की बरामदगी हो गई है और आरोपियों द्वारा पूरी घटना के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसमें आईजी ग्वालियर जोन की तरफ से पूरी टीम को 25,000 रुपये का कैश प्राइज भी दिया जा रहा है। गोले के मंदिर क्षेत्र में एक सराफा व्यापारी के साथ लूट हुई थी जिसमें कि आरोपियों द्वारा फायर करके और उसका बैग जिसमें लगभग 7-7.5 तोला सोना और कुछ चांदी थी छीन कर ले गए थे। इसमें लगातार क्राइम ब्रांच और गोले के मंदिर की टीम द्वारा पतासाजी के प्रयास किए जा रहे थे। इसी बीच में क्राइम ब्रांच को खबर मिली कि इसमें मुरैना की एक गैंग हो सकती है और उसी पे काम करते हुए आज दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है जिनका नाम मनीष शर्मा और संजू जाटव हैं और इनके पास से दो कट्टे जो कि घटना में प्रयुक्त हुए थे 315 बोर के और मनीष का जो यहाँ पे घर है उसमें भी तलाशी के बाद लूट में गया हुआ कुछ चांदी और सोना बरामद कर लिया गया है। इनकी करीब 6 लोगों की एक गैंग है जो कि बदल बदल के ये वारदात करते हैं। प्रारंभिक पूछताछ पे ये पता चला है कि इन दो के साथ भूरा जाटो नाम का एक और आरोपी था जो कि एक दिन पहले मुरैना में अरेस्ट हुआ है जिसमें सबलगढ़ की लूट थी और ये दोनों जो हमारे यहाँ अरेस्ट हुए हैं ये दोनों भी सबलगढ़ में जो इसी तरह की एक लूट हुई है फायर करके सराफा व्यापारी को लूटा था उसमें ये दोनों भी शामिल हैं और इंदरगढ़ में एक इसी तरह की लूट हुई थी जिसमें इसी गैंग का हाथ है। और इस घटना को करने से पहले दो तीन दिन इन्होंने रैकी की है जिसमें राजेश नाम का एक अन्य आरोपी भी था। अब इनको हम रिमांड पे लेके पूछताछ कर रहे हैं तथा ग्वालियर चंबल क्षेत्र में हुई इस तरह की जितनी घटनाएं थी उन सभी के बारे में इनसे पूछताछ करेंगे। जो मनीष है इसकी माँ के पास बाकी जो लूट का माल था वो रखा होना मनीष बता रहा है जिसकी तलाश में हमने अभी पार्टी भेजी थी किंतु ये अपने पते पे मुरैना पे नहीं मिली है जिसकी तलाश की जा रही है और इनको कोर्ट में माननीय न्यायालय में पेश करके हम रिमांड लेंगे। कुल मिला के इसमें जो हमारी क्राइम ब्रांच की टीम थी इसने बहुत ही अच्छा काम किया है और लगातार मेहनत करके ये दो आरोपियों के ओरिजिनल जो लूट में गया हुआ था माल था उसके साथ और घटना में प्रयुक्त हथियार के साथ पकड़ा है। घटना में जो अपाचे मोटरसाइकिल प्रयुक्त की गई थी वो भूरा जो मुरैना में गिरफ्तार हुआ है उसके पास से जब्त हुई है और इसमें अब रिमांड के बाद हम इसमें और पूछताछ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि अंचल की कुछ और घटनाएं इसमें बाहर आएंगी। और जब अपना ग्वालियर जोन के आईजी सर द्वारा इसमें 25,000 रुपए का कैश प्राइस जो टीम इसमें लगी हुई थी उसको दिए जाने की घोषणा की। कितने का अंदर सामान लूट किया था, कितने का सामान? ये करीब 7 तोला इन्होंने ग्राम चांदी गई थी, चांदी मिल गई है। सोना जो है इसने पूरा अपनी माँ के पास रखना बताया था। आज करीब आधा तोला के करीब है, हाँ 5-6 ग्राम के करीब सोना ये बरामद हुआ है। और मनीष की माँ के पता कहाँ पर है इसकी गिरफ्तारी के हम प्रयास कर रहे हैं और मिलने पे जो है बाकी बचे हुए माल के बारे में पूछताछ की। मैं अभी हमारे पास दो आरोपी हैं और इसके अलावा भूरा जो है वो मुरैना में अरेस्ट हो गया है जिसको कि हम प्रोडक्शन वारंट पे यहाँ लाएंगे और एक अन्य आरोपी है राजेश और एक इसकी माँ है मनीष की
ये दो आरोपी जो हैं इनको अभी और